आपका क्वेश्चन है द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 14, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, नाउ देखो क्या दिया है, एक्स आई एंड एफ आई, तो 5, 7, 10, k, 15, 8, 24, 25 इज 5। नाउ तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं मीन का। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई एफ आई। ठीक है, नाउ दैट मीन्स आपको एफ आई एंड एक्स आई को पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहां पर इसी के साथ यहां पर लिख दिया एफ आई एक्स आई, तो दैट इज इक्वल टू, देखो क्या हो रहा है, 5 × 7, तो 5 × 7 = 35। नेक्स्ट 10k, तो 10k, तो हम इस लाइन में नहीं लिखेंगे, वी विल राइट थोड़ा सा नीचे 10k। नाउ 15 × 8, तो कितना होता है हमारा, 15 × 8 = 120, तो वी विल राइट हियर 120। नेक्स्ट 20 × 4 = 80 एंड 25 × 5 = 125। ठीक है, नाउ तो फिर देखो इसमें क्या दिया है, सिग्मा, दैट मीन्स समिंग अप, यहां पर भी आपका सिग्मा है, सॉरी सिग्मा है, तो दैट मीन्स आपको इसको भी ऐड करना है और इसको भी ऐड करना है। तो देखो क्या आ रहा है आपका, तो 7 + 8 = 15, 15 + 5 = 20, 20 + 4 = 24, तो एफ आई आपका आ गया, सिग्मा एफ आई आपका आ गया 24 + k, k इज ऑल्सो हियर, और एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या आ गया, दैट इज इक्वल टू, नाउ इसको ऐड करो, 120 + 80 = 200, 200 + 125 = 325, 325 + 35, तो दैट इज आपका कितना हो गया, 360, तो वी कैन राइट 360 + 10k। नाउ अब आपको क्या करना है, ये सब वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू एंड आपका मीन का वैल्यू वी विल पुट इन दिस, तभी आपका के निकलेगा। तो मीन इज 14, तो आपका है 14 = सिग्मा एफ आई एक्स आई इज 360 + 10k, 360 + 10k बाई एफ आई आपका कितना है, 24 + k, 24 + k। ठीक है, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो 14 × 24 कितना होता है, वो हम करते हैं, 24 एंड 14, 16, 1 कैरी, 9, 4 एंड 2, तो ये आपका आ गया 336, तो ये आपका कितना हो गया, देखो 336 + 14 × k = 14k, दैट इज इक्वल टू 360 + 10k। ठीक है, नाउ k को इस साइड में लेकर आ जाओ और 336 को इस साइड में, तो क्या आ जाएगा आपका, 14k - 10k, दैट इज इक्वल टू 360 - 336। ठीक है, नो तो ये दोनों कितने हो गए, 4k, 4k इज इक्वल टू, नो माइनस करो, दिस इज 4 और 5 है, 3 गया इज 2, तो 24, तो k वी कैन से k इज इक्वल टू 24/4, दैट इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको निकालना है।